इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में गोहलपुर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि शांतिनगर निवासी आकाश पटेल को रविवार रात क्राइम ब्रांच की टीम ने काली मंदिर वाली गली में रोका था। आरोपी की स्कूटी की तलाशी लेने पर डिक्की में रखा देशी माउजर और 17 कारतूस मिले। इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस की जब्ती से पुलिस भी परेशान है। क्राइम ब्रांच और थाना गोहलपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से सूचना के आधार पर आकर्ष पटेल निवासी शांतिनगर से एक देसी मेड माउजर और 17 नग कारतूस जब्त की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि अपनी गाड़ी की डिग्गी में पिस्टल और कारतूस लेकर कहीं जा रहा है, तो सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा गया है। उसकी गाड़ी को जब्त किया गया है और एक पिस्टल और 17 नग कारतूस जब्त किया है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कछपुरा के पास सोमवार की सुबह 3 बदमाशों ने मजहर खान नामक एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। घायल युवक को मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मजहर सुबह अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गया था। स्कूल में बहन को छोड़ने के बाद वह जब मजहर कछपुरा पुल से नीचे उतर रहा था, तभी पीछे से मोटरसाइकिल में सवार 3 नकाबपोश युवक आए और मजहर पर चाकू से हमला कर भाग गए। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि पड़ोस के फैजान नामक युवक से कुछ दिन पहले फैजान का झगड़ा हुआ था। घटना को अंजाम देने में फैजान का ही हाथ है। पुलिस ने पीड़ित के शिकायत पर आरोपी फैजान पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मजहर खान अपनी बहनों को छोड़ के स्कूल से लौट रहे थे, तो 3 लोग नकाबपोश आके और पीछे चाकू मार के उसको भाग गए। संजीव नगर थाना लगता है, ब्रिज के नीचे, ब्रिज के पास मढ़िया के सामने, सुबह 8:30 बजे की बात है। पुराना विवाद 3-4 दिन पहले मोहल्ले के एक लड़के से विवाद हुआ था फैजान से, है ना। तो स्कूल जा रहा था, बच्चों को छोड़ने ओढ़ने, तो वो उसी के मैटर में उससे विवाद हुआ था, तो उन्होंने डांटा आटा था उनको, तो हो सकता है कि वो भी इस काम को अंजाम दे सकते थे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना पुलिस ने 2 बदमाशों के कब्जे से गांजा और हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संतोष झारिया और खेमचंद अहिरवार पोली पाथर के पास गांजा लेकर खड़े हैं और बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के तत्काल बाद पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम बनाकर दबिश दी गई, जहां संतोष और खेमचंद एक थैला लेकर खड़े हुए थे। जब थैले की जांच की गई तो उसमें 1 किलो 400 ग्राम गांजा रखा हुआ मिला। वहीं दोनों के पास से तलवार और बका भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक संतोष और खेमचंद ग्वारीघाट थाने के निगरानीशुदा बदमाश हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। बहरहाल पुलिस ने गांजा और हथियार रखने के अपराध में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वारीघाट और क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि लाल कुआ पाली पत्थर के पास 2 व्यक्ति गांजा लिए खड़े हैं, तो टीम के जाने पर संतोष झारिया और गरीब दास झारिया उम्र 46 वर्ष और खेमचंद अहिरवार पिता राधे श्याम अहिरवार 41 वर्ष दोनों को 1 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। जबलपुर में बेतहाशा बिजली बिलों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मुहिम शुरू कर दी है। सोमवार को पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर पर कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा और उनसे बेतहाशा बिजली बिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर बिजली महकमे की दलील है कि लॉकडाउन के समय जो बिजली बिल नहीं लिए गए उनको अब आसान किस्तों में वसूला जा रहा है। यदि किसी बिल से शिकायत है तो महकमा उसका निराकरण जरूर करेगा। 100-200 रुपए रोजाना कमाने वाले गरीब पैसे कमा के अपना पेट भरे, अपने बच्चों को पाले या कर्जा लेके 5-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरे, इसी को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए। अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो युवा कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी और इसका जिम्मेदार बिजली विभाग और सरकार स्वयं होगी। विद्युत बिल से समस्याओं के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। वर्तमान में शासन द्वारा समाधान योजना लाई गई है, जिसमें कोरोना काल में अगस्त 2020 में जो राशि रोक दी गई थी वसूली के लिए, उसकी वसूली इस समय की जा रही है। उस समाधान योजना में अगर उपभोक्ता एक साथ पूरा बिल जमा करता है तो उसको 40% की छूट है, सरचार्ज की पूरी छूट है,
और अगर 6 किस्तें में जमा करता है तो 25% की छूट है। अगर इसमें अगर इनके कोई गलत बिल होंगे उसकी जांच हम लोग लगातार कर रहे हैं और लोगों के बिल सुधार भी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।